नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां आरके तिवारी बनाए गए यूपी के नए मुख्य सचिव। और आरके तिवारी ने अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। उच्च शिक्षा विभाग में ACS पद पर तैनात हैं तिवारी। यूपी कैडर के 1985 बैच के IAS हैं। मुख्य सचिव बनाए जाने तक कार्यभार संभालने के निर्देश अनूप चंद्र पांडे को किया गया सेवानिवृत्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरके तिवारी बनाए गए यूपी के नए मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव बनाए जाने तक कार्यभार संभालने के निर्देश। आरके तिवारी ने अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। अनूप चंद्र पांडे को सेवानिवृत्त किया गया है। तो उच्च शिक्षा विभाग में ACS के पद पर तैनात और आरके तिवारी यूपी के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरके तिवारी ने अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है और अनूप चंद्र पांडे को सेवानिवृत्त किया गया है। और उच्च शिक्षा विभाग में ACS के पद पर तैनात हैं तिवारी। यूपी कैडर के 1985 बैच के IAS हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरके तिवारी को मुख्य सचिव बनाया गया है और अनूप चंद्र पांडे को सेवानिवृत्त किया गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आरके तिवारी ने कार्यभार अतिरिक्त संभाल लिया है। अहम खबर, उच्च शिक्षा विभाग में वो ACS के पद पर तैनात हैं और 1985 बैच के IAS हैं। उत्तर प्रदेश में इस अच्छी टीम के साथ मुझे अगर काम करने का मौका मिलेगा तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और अगर इस टीम के माध्यम से जो भी उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में उनके हित के लिए हम कार्य कर पाएंगे, ये हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं सभी मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, उनका भी पूरा सहयोग मिले। और जब कभी कोई आपसे सूचनाएँ जो मिलती रहती हैं, जनता से जुड़ने का बहुत प्रभावशाली माध्यम आप स्वयं हैं, तो जनता से जुड़े रखने के लिए आप भी अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं उत्तर प्रदेश शासन के प्रति भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी अपनी हार्दिक सद्भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं, अपनी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।